नमस्कार, मैं साक्षी दलाल एक दफा फिर आपके समक्ष हाजिर हूँ अपनी एक स्वरचित कविता लेकर। वो कई बार होता है ना कि आप कुछ लिखना चाहते हैं लेकिन एक असमंजस में होते हैं कि क्या लिखूं, और फिर इतना कुछ याद आ जाता है कि असमंजस हो जाती है कि क्या क्या लिखूं, कि समझ नहीं आता क्या लिखूं, समझ नहीं आता क्या लिखूं। दिल्ली लिखूं, हाथरस लिखूं, आंध्रा लिखूं या कश्मीर लिखूं। सुदर्शन धारी भी ना बढ़ा पाए जिसे, वो चीर लिखूं या जो उसके चारों ओर बांधी है तुमने, वो जंजीर लिखूं। सड़क किनारे पड़ा लहूलुहान वो शरीर लिखूं, या जो मर चुका है तुम्हारा वो जमीर लिखूं, या फिर जो उठा लेनी चाहिए थी उसे वो शमशीर लिखूं। बेसलाहती से काम करते राजा और वजीर लिखूं, जिसका कोई हल ही ना हो वो तकरीर लिखूं, जिसकी मंजिल ही छिन गई हो वो राहगीर लिखूं, या फिर वोट मांगते खुदगर्ज और बेअक्ल फकीर लिखूं। और तब क्या लिखूं, कि तब क्या लिखूं जब मेरी कलम मुझसे सवाल करे, मेरे दिन का चैन छीने रातों की नींदें हराम करे। कि तब क्या लिखूं जब मेरी कलम मुझसे सवाल करे, मेरे दिन का चैन छीने रातों की नींदें हराम करे। सच कहूं, इन सारे सवालों पर मेरा जहन मौन है, और तुम ही बताओ जो इन सवालों का जवाब दे सके, आखिर ऐसा शख्स ही कौन है। तो बस मैंने मेरी कलम को आजाद कर दिया, अब ये कोई जाल लिखती है, अपने हथियारों का काल लिखती है, और जिससे हजारों मशालें जल सके ऐसी मिसाल लिखती है। कभी कभी माँ सीता बन रामायण और द्रौपदी बन महाभारत लिखवा देती है, कि मेरी कलम कभी कभी माँ सीता बन रामायण और द्रौपदी बन महाभारत लिखवा देती है, और इतने योद्धाओं का नसीब यूं मिनटों में फुकवा देती है। अब मेरी कलम मुझसे सवाल नहीं करती, बस जवाब लिखती है, और भाई साहब लाजवाब लिखती है। शुक्रिया।